हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सीखने के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोरल ड्रॉ के अंदर कुछ इस तरीके की डिज़ाइन बना करके दिखाऊंगा। ये फ्लावर वाली डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। इसको कैसे बनाते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोरल ड्रॉ चलाना सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, तो ऐसे में चैनल पर जरूर से विजिट कीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप कोरल ड्रॉ चलाना सीख सकते हैं। तो कोरल ड्रॉ चलाने के लिए, कोरल ड्रॉ पर ये डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें खाली पेज ले लेंगे, एक ब्लैंक पेज ले लेंगे। अब ब्लैंक पेज लेने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने पेज को हम पहले सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम एक एलिप्स टूल ले लेंगे यहाँ से और एलिप्स ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हम कंट्रोल डी बटन दबा करके एक किसी का डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद हमको क्या करना है, हमको इसी के पैरेलल कर देना है, यानी कि हमको बिल्कुल सेम कर देना है, दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट टूल को ले लेंगे। इसके बाद में सिलेक्ट टूल लेने के बाद हम इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला इंटरसेक्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपका बीच का जो पार्ट है वो इंटरसेक्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको आप चाहें तो कोई भी कलर दे सकते हैं, मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ। और इसके बाद में आपका जो पार्ट है ना फालतू वाला, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों आपके अलग हो जाएंगे। तो आप इसको क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। सिंपल से आपको डिलीट बटन दबाना है, क्लिक करना है और डिलीट बटन दबा देना है। ये जो आपका पार्ट है ये आपकी फूल की एक पत्ती, फ्लावर की एक पत्ती बन चुकी है। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसको थोड़ा हल्का कर देना है, यानी कि पूरा नीला दिखाई दे रहा है ना, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करेंगे। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टूल बॉक्स में आना है। यहाँ पर आपको एक टूल मिल जाएगा, तो ये वाला ट्रांसपेरेंसी टूल, तो आपको ट्रांसपेरेंसी टूल पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आने के बाद आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको जो ये सेंटर पॉइंट दिखता है, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से खींचना है, आधा खींचेंगे, आधा खींचने पर हमारा काम हो जाएगा और आपको छोड़ देना है। यहाँ तक हमने खींचा तो हमारे पत्ती कुछ इस तरीके से दिख रही है। हम इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। आपको अपनी सुविधा के अनुसार रख लेना है, आपको जैसा पसंद है आप उस तरीके से रख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एंगल इसका सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको और घुमा लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी आधी पत्ती बन करके तैयार हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, सिलेक्ट टूल को लेना है। सिलेक्ट टूल लेंगे और इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसी का एक डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के लिए आपको कंट्रोल डी दबाना है। कंट्रोल डी करेंगे डुप्लीकेट बन जाएगा। आपको क्या करना है, आपको इसको थोड़ा घुमाना है, रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए यहाँ पर आपको रोटेट बटन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, ये रोटेट हो जाएगा। अब आपको इसको उठाना है और उठा करके आपको इसी पत्ती के शेप में यहाँ पर आपको डाल देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए आपकी एक पत्ती बन करके तैयार हो चुकी है, ये आपके फ्लावर की एक पंखुड़ी बन चुकी है। अब आपको करना क्या है, सिंपल से आपको सिलेक्ट टूल लेना है और इसको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा पकड़ के इस तरीके से खींचेंगे ताकि हमें पत्ती का शेप दे दें। ये देखिए हमारा तैयार हो गया। अब ये सिलेक्ट है ऑलरेडी, पहले से आपको करना क्या है, सिंपल से आपको कंट्रोल जी दबा करके इसको ग्रुप में ले लेना है। ग्रुप कर देंगे, ग्रुप करने के बाद हमारी ये पत्ती पूरी जुड़ जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमको ट्रांसफॉर्मेशन टूल को ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड में एल्ट और F8 बटन को प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन टूल आ जाएगा। अब आपको सिंपल सा इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आने के बाद हम इसका एंगल दे देंगे। एंगल देने के लिए एग्जाम्पल के लिए आप 15, 25, 20 जो भी आप एंगल देना चाहें आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको 25 एंगल दे देता हूँ। 25 एंगल देने के बाद यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, आपको एक कॉपी लेना है। बट उससे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब आप कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी डिजाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। आपको ये नहीं करना है, आपको इसको अंडू कर देना है कंट्रोल जेड दबा करके। आपको सिंपल से यहाँ पर सिलेक्ट टूल पर आना है। सिलेक्ट टूल लेंगे और सिलेक्ट टूल लेने के बाद यहाँ पर आने के बाद हम डबल क्लिक करेंगे, दो बार क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बीच में एक सेंटर देखने को मिलता है, ये देखिए। अब आपको इस सेंटर को क्या करना है, इसको पकड़ करके आपको यहाँ नीचे लाना है, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर आपको रख देना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एंगल चूज करना है, कितने एंगल पर घुमाना है उसको, और यहाँ से कितनी कॉपीज बनानी है वो आपको चूज करना है। आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपको कॉपीज का नंबर दिया है, आप सिंपल से यहाँ पर 10, 15, 20 जो भी बनाना चाहें आप अप्लाई करेंगे, आपकी 10, 15, 20 कॉपी बन जाएंगी। हमको ये नहीं करना, हमको इसको अंडू कर देना है। हमको क्या करना है, हमको इसको थोड़ा छोटा कर लेना है और यहाँ पर 10 कॉपी चूज है। हम इसको एक करने के बाद क्या करेंगे, सिंपल सा अप्लाई पर क्लिक करेंगे। करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी डिजाइन है बन करके तैयार हो चुकी है इस तरीके से। आपको क्या करना है, सिंपल सा सिलेक्ट टूल लेंगे। सिलेक्ट टूल लेने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम इसको कंट्रोल और सी दबा करके ग्रुप कर देंगे। तो जो हमारी डिजाइन है वो बन करके तैयार हो चुकी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो इस तरीके से आप कोरल ड्रॉ के अंदर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं।
अब दोस्तों इसी तरीके से दूसरी डिज़ाइन बनाने के लिए हम फिर से एक इलिप्स ले लेते हैं। इलिप्स को ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से हम सर्कल बनाएंगे, फिर सर्कल का हम डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे, फिर हम सिलेक्टिव टूल पे जाएंगे, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से हम इसकी एक पंखुड़ी बनाएंगे। ये वाला पार्ट हमारा, अब इस पार्ट को हमको अलग करना है। अलग करने के लिए हम फिर से सिलेक्टिव टूल पर जाएंगे, इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम यहाँ पर जाएंगे हमारे इस वाले इंटरसेक्ट पार्ट पे, सेक्शन पे, और इसको इंटरसेक्ट करके हम फालतू वाला जो पार्ट है इसको डिलीट कर देंगे। और इसके बाद में हम इसको पकड़ करके खींच लेंगे, इसको हम पंखुड़ी का आकार दे देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी पंखुड़ी तैयार है, इसको हम एक कलर दे देते हैं, कलर हमने रेड दे दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कम करना है। ट्रांसपेरेंसी कम करने के लिए ट्रांसपेरेंसी टूल को ले लेंगे और इसके बाद यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये लीजिए इस तरीके से। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसी का डुप्लीकेट बनाएंगे, डुप्लीकेट बनाने के लिए सिलेक्टिव टूल पर जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी दबाएंगे, डुप्लीकेट बन जाएगा। अब इसको हमको रोटेट कर लेना है, रोटेट करने के लिए रोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, रोटेट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको मर्ज कर लेंगे। अब इसके बाद में हम इसको ग्रुप कर लेंगे, ग्रुप करने के लिए हमको करना क्या है, सिलेक्टिव टूल पर जाना है, इस तरीके से हमको इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी दबा करके इसको ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद क्या करेंगे, अब हमको इसका क्या करना है, अब इसका हमको फ्लावर बनाना है। फ्लावर बनाने के लिए डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे हमको सर्कल मिल जाएगा। सर्कल को हम यहाँ से सेंटर में उठा करके यहाँ नीचे ले आएंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम एंगल चूज करेंगे, एंगल चूज कर लेंगे। एंगल चूज करने के बाद हम इसको एक कॉपी बनाएंगे, कॉपी बनाने के लिए यहाँ पर नंबर डालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 70 नंबर डाल देता हूँ, आप चाहें तो अप्लाई पर, आप चाहें तो एक कर सकते हैं, चाहे तो आप 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और उसके बाद जैसे आप अप्लाई करेंगे ना, आपका जो फ्लावर है बन करके तैयार हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ऑलराइट दोस्तों, तो इस तरीके से आप ये डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। दोस्तों हम पेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारी डिज़ाइन है वो बन करके तैयार हो चुकी है। हमको करना क्या है, सिंपल से हम इसको उठा करके साइड में डाल देंगे इस तरीके से और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब ये वाली जो हमारी डिज़ाइन है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ग्रुप कर लेंगे कंट्रोल जी दबा करके। ये देखिए हमारी जो डिज़ाइन है बन करके तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से आप बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना सकते हो कोरल ड्रॉ के अंदर। तो कुछ इस तरीके से आप डिजाइन को ड्रॉ कर सकते हो कोरल ड्रॉ के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, हम इसी का कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं दूसरी जगह पर, डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, डुप्लीकेट बना लेंगे इस तरीके से। और बाद में इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, कलर आप जो भी देना चाहें आप उसको दे सकते हैं। इस तरीके से आप कोरल ड्रॉ के अंदर डिजाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कोरल ड्रॉ के अंदर इस तरीके से आप फ्लावर वाली डिजाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, और ऐसे और ज़्यादा वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल कंप्यूटर सीखो को तुरंत से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।